आज हम लोग देखने वाले अपने इंडियन माइनक्राफ्ट गेमर्स कितने क्रिएटिव है। क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव मोड की बात नहीं, चलो यहाँ पे देखते कुछ अलग ही चालू है। दिमाग में क्रेजी आइडिया है कि मैं बस एक डायरेक्शन में उड़ता ही जाऊं। उड़ जा काले कावा तेरे मुंड पावा जाओ। और आज हम वो ही करने वाले हैं, फ्लाइंग इन एक डायरेक्शन फॉर 100 मिलियन ईयर्स। ठीक है, बैक इन माय माइनक्राफ्ट वर्ल्ड एंड फ्लाइंग एंड एक्सप्लोरिंग गो आई कैन। भाई लाइक तक टूट जाता है बाय द वे। कुछ क्रेजी क्रेजी चीजें भी देखने को मिलेंगी क्योंकि ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट का नया अपडेट है उसमें। चलो चलो भाई, कहाँ तक जाओगे? 5 मिनट्स लेटर। अलग अलग टाइप के बायोम्स ढूंढूंगा ऐसा सोचा था, सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका के बर्फ वाले वो दिख रहे हैं, हर जगह बस बर्फ वाले पहाड़। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने सोचा था कि मैं एक ही डायरेक्शन में उड़ता रहूंगा तो मैंने इससे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ऑल आई एम सीइंग इज बर्फ। अब तो समुद्र आना शुरू हो गया, आई थिंक अब तो सिर्फ समुद्री समुद्र है। मुझे फॉर रियल 1.5 घंटा होने वाला है बस ऐसे। 1.5 घंटा में इतना दिखा एक ही डायरेक्शन में। आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दिस विल बी अ क्रेजी आइडिया, फ्लाइंग इन वन डायरेक्शन फॉर। मैंने भी किया था, चारों तरफ बस पानी है। 2 घंटे हो चुके हैं अब तो, इतना भी क्रेजी आइडिया नहीं था। कुछ दिखे तो भाई माइनक्राफ्ट है, इसमें वर्ल्ड रिपीट होते जाता है बहुत बार। क्या बना भाई ये बल्किस्तान में? Excuse me, भाई ये देखो मैंने यहाँ पे जो है कंप्लीट कर दिया है सारा का सारा जो है फर्स्ट लेयर। बन क्या रहा वो नहीं समझ रहा मुझे। लगता है आई गेस हमारा मेन मॉन्यूमेंट। अच्छा ओशन मॉन्यूमेंट को इसमें बनाया था आई गेस, लाइक उसको तोड़ के उसको रीडिजाइन किया मे बी राइट। ओशन मॉन्यूमेंट को भाई ज्यादा ही बड़ा बिल्ड है यार। ये क्या होता पता है, जब ऐसे वाले बिल्ड देखता हूँ ना मैं ऐसे लगता है भाई कर लेंगे यार। हर माइनक्राफ्ट प्लेयर को लगता है भाई कर लेंगे यार, मतलब कर तो सकते हैं बट भाई एक बार स्टार्ट किया इतना टाइम लगता है उसमें, कहीं गिर गए नीचे भाई ब्लॉक गलत लग गया तो ऐसा गुस्सा आने लगता है भाई, क्या ही बताओ तुम लोग को। कुछ ज्यादा ही बड़ा बिल्ड है भाई। अरे ये नीचे का मस्त लगा मुझे, ये वाला साइड अच्छा लगा ऐसा, लाइक भाई वेन्स टाइप का ऐसा समझो आप, लाइटनिंग टाइप का ऐसे टाइप का भाई, ये एपिक लगा भाई, ये चीज बना एपिक है भाई, मान लिया। डिजाइन भी खतरनाक है इसका, देख सकते हो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया हमारे ओशन मॉन्यूमेंट को। अंदर से भी कुछ किया क्या भाई ने? ओ यार गॉड डैम क्या ही एपिक लग रहा है भाई ये। बहुत बार क्या होता पता है क्या, लोग बना देते बाहर से बड़ा बिल्डिंग और अंदर से कुछ बनाते ही नहीं, बिकॉज एक तो आलस आ जाता है, सेकंड चीज ये कि बहुत बार ऐसी चीजों में वापस इंसान अंदर नहीं जाता, बाहर से देख के खुश हो जाता है। BBS यूजिंग हिज फुल क्रिएटिव ब्रेन प्रेशर हमेशा रहता है ना इसमें। बहुत सारी प्रिपरेशन की है, इतना टफ नहीं है, बस प्रिपेयर रहो तुम हमेशा। किस चीज की बात है भाई? चाहिए स्लो हो गया मैं एप्पल डिफॉरेस्टेशन कर रहा हूँ तो यू नो फॉरेस्टेशन भी कर रहा हूँ मैं। सो क्रिएटिव क्या था भाई दिमाग? दोबारा पेड़ उगा देते हैं हम। ठीक भाई क्या बना दे, कुछ तो क्रिएटिव चीज बना दे। क्या भाई ये? अच्छा ये कुछ इसके जैसा लग रहा है, दिख के कैसल जैसा, जो स्ट्रक्चर है ना वो कैसल जैसा है, दिख के समझ रहा है लाइक पिलर्स वगैरह इसमें। मोस्ट ये मेन वाला कैसल है क्या आई गेस, हो सकता है पॉसिबल। मुझे भी एक कैसल बनाना है, बहुत टाइम हो गया माइनक्राफ्ट में, मैं मॉडर्न हाउस से बहुत बनाया बट कैसल बनाया नहीं, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, स्पेशल ये स्टोन वगैरह लेके आओ सर्वाइवल में तो बहुत ही ज्यादा टाइम यार। और बाद में ये क्रीपर आएंगे और फटने आएंगे भाई, उनको हटाओ यार नुमड़े क्रीपर कह के। अब कितना टाइम लगता है भाई, मतलब टाइम तो लग रहा है बट दिखाओ यार क्या है ट्रिक था है। अरे भाई दिखाओ ना क्या है, मुझे देखता भाई प्लीज।
स्टंप बनेगा। सॉरी भाई स्किप करना पड़ा है मुझे वीडियो। गाइस फाइनली हम लोगों का बिल्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें बची हैं वो कर लेते हैं। ये है हमारा, पहले तो मैंने एरिया भी थोड़ा बहुत सजा दिया है, बट ये देखो ये है हमारा नया घर, हमारा कासल भाई ये हुई बात। अब तुम्हारे भाई के पास जनरली एक रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए जगह, ठीक है, क्रेजी लग रहा है दिखने का, ठीक है, इसमें और भी चीजें करेंगे फ्यूचर में। नीचे सोना लगा है कासल में, पैदल के नीचे सोना लगा। अभी नहीं यार, अब मेरी हालत टाइट हो चुकी है बहुत ज्यादा। मेरा मन तो था इसको बहुत अच्छा बनाने का, बट अभी भी बहुत ज्यादा अच्छा है। नीचे तुम लोग देख रहे हो पूरा गोल्डी गोल्डी कर रखा है मैंने। जितनी देर में हवन में गया था 2 घंटे लगे मेरे को कम से कम वहां पर, तो मैं क्या कर गया, मैं AFK छोड़ गया। पहले से भी बहुत सारा गोल्ड था, बट ठीक है 2 घंटे में काफी ज्यादा जमा हो गया और पहले से था ही अपने पास। तो यहाँ पर पूरी जमीन मैंने, जहाँ जहाँ पे घर है मतलब बेसिकली वहाँ अंदर से स्टिल बच्चा है भाई, और इतना बड़ा एरिया भी नहीं था वैसे। तो ये देख रहे हो ये पूरा हमारा एरिया हो चुका है अंदर का, बिल्कुल ये अच्छा लगा मुझे, ये चीज ढापने वाला में, ये आइडिया अच्छा लगा मुझे। हॉपर लगाओ और उसके नीचे उसके बाद चेन लगा के लैंटर्न लगाओ, ये अच्छा है। ये पूरा हमारा एरिया हो चुका है अंदर का, बिल्कुल तुम्हें छत पे जाकर दिखाता हूं। छत पे तो और भी कूल कूल चीजें। मेरा मन था पहले एक थ्रोन बनाया जाए, ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा ऐसी ये घूमने। When hunters become creative, क्या भाई आवाज, एक फटका मारता आई गेस स्मार्टी ने। बोट क्लच क्या वेट व्हाट, एक मिनट मुझे आप समझा क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ से फटका पड़ा ड्रीम बॉय को, तो ड्रीम बॉय नीचे गिर गया आई थिंक यहाँ पे कहीं पे, एंड ड्रीम बॉय ने एक्चुअली बोट क्लच करके खुद को बचा लिया भाई। नॉर्मली ये चीज स्मार्ट बॉय करते हैं, बट इस बार ड्रीम बॉय ने कर दिया। क्या मेरी संगत का असर हो रहा है भाई, क्या बात है? अरे तू क्या, ये देखो अबे तू क्या मंद इंसान है भाई। भाई भाई मैं स्मार्टी भाई को पीछे धक्का मारने की कोशिश कर रहा था भाई, राइडर क्लच करते करते मर गया। अरे इसका अलग ही से अप्पा है भाई, अभी जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, नजदीक है स्पॉट। अबे ये टूट गया, क्या था नीचे बैठ था क्या? अबे ये यस 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 डूड में बाय 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 लेट्स गो। आखिरकार मर गया भाई, ओपी पटाखे बना लिए थे, पटाखे मैं फोड़ने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड था और हो गया पोपट। क्या मालूम पटाखा फूट रहा है, क्या है, पैसा नहीं दिया क्या, पानी डाल के दिया क्या पटाखे में? यार सच्ची में रोने की आदत हो गई थी, समझ में आ रहा था कि क्या है ये, क्यों ऐसे अजीब दिख रहा है, इतना खर्चा किया है, कलर नहीं दिख रहा। पर फाइनली किसी ने चैट में मुझे बताया कि हरामखोर एनिमेशन तरह का चाचा ऑन करेगा। इसको देखो भाई ये वाला एरिया, इसके बारे में ना ही जानो तो बेटर है। ये वेंडिंग मशीन बनाने की नाकाम कोशिश थी मेरी, जिसमें मैंने अपना बहुत सारा रिसोर्स वेस्ट करा। ये भगवान क्या जुलुम है। बट हाँ सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज जो मैंने अपने वर्ल्ड में बनाई थी वो थी ये लेक, देख रहे हो भाई क्या मस्त है यार, डुबकी मार अच्छी यार ये लेक में बैठ के पूरा काम, मतलब ऐसा एक पॉइंट बना था बट छोटा सा बहुत हो जाएगी, फिर बीच में एक छोटा सा ब्रिज पड़ेगा। ये चीज से देखी थी मैंने, नीचे से निकल के जाओ भाई दूसरी साइड पे और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे अपने म्यूजियम पे। और इस पानी के अंदर मैंने बहुत डिटेलिंग करी है, देख रहे हो बंदा डूब के मर गया, कैप्टन स्केलेटन। चलो भाड़ में जाए, अभी मैं आपको लेकर चलता हूं। भाई इतनी सारी चीजें बनाई भाई, कैप्टन स्केलेटन के लिए एक लाइक हो जाए। हेलो हाउ आर यू, आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प मी। बेचारा बंदा नीचे पानी के अंदर रुका है ऐसे हमेशा के लिए, लाइक दे दो और उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐसे ऐसे हम लोग भी कुछ क्रिएटिव बिल्ड करेंगे, क्रिएटिव बिल्ड मतलब क्रिएटिव मोड में, क्रिएटिव थोड़ा दिमाग लगा, समझ लो भाई। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।